नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में जो पढ़ रहे थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसी में आगे बढ़ेंगे, यानी कि ये क्लास सेकंड होगी। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हुए इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करेंगे। और यहां पे मैं कोशिश करता हूं कि आपको संक्षेप में विद इन टाइम लिमिट, यानी कि वीडियो लेंथी ना हो, और आपके जितने भी फैक्ट हैं जो कि एमपीपीएससी और एमपीपीएससी के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा एमपीएसआई और एमपी पुलिस और अदर पीवी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, यही मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट बताए जाते हैं वो क्लियर हैं और सीधे वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। इससे पहले आपको बता दूँ कि जितने भी यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स आते हैं उन सब की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई जा रही है। एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन मेल अस topgallant2018@gmail.com। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अदर इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंपनी के शासन के अंतर्गत जितने भी अधिनियम आए थे, ठीक है, वहां से कंपनी का शासन जब खत्म होता है 1853 जो अधिनियम था, तो वहां पे वीडियो लेक्चर खत्म किया था। उसके बाद शुरू होता है ताज का शासन, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया था 1858 से, और 1947 तक ये उसके भारत ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे प्रत्यक्षता जो है शासन किया। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, ये आपके लिए जान लेना जरूरी होता है। इसके बाद जितने आए उनकी भी हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। चूंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके परिणाम स्वरूप ये 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। 1858 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, तो कहीं सिपाही विद्रोह हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, और उसी को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान किए गए भाई 1858 के शासन अधिनियम में? सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जितने भी उसके काम थे। अभी कंपनी को भंग नहीं किया लेकिन उसके कार्यों को समाप्त कर दिया गया, ओके। और जितनी भी शक्तियां थी वो सब कहाँ हस्तांतरित हो गई? वो हो गई ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश राजाशाही में हस्तांतरित हो गई, क्योंकि वहां शक्तियों का स्रोत कौन होता है? राजा होता है, ओके। मंत्री पद की व्यवस्था की गई 1858 के शासन अधिनियम के तहत। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट काम किया गया, वो ये कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, हमने पहले क्या पढ़ा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कंपनी के अंतर्गत थे, कंपनी के अधीन थे। उसके बाद जब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना तो वो प्रथम थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपको उनका भी नाम याद रखना है, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पदनाम दिया गया। इसी के तहत या इसी के अधीन जो पहले वायसराय हुए वो हुए लॉर्ड कैनिंग, अंतिम भारत के गवर्नर जनरल। यहां मैं पद नाम से अंतिम यूज कर रहा हूं, एक बात याद रखना है यहां पे, और पहले वायसराय, ठीक है, इनको दोनों बोला जाता है, अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय भारत के, ओके। आगे देखते हैं क्या है भाई। मुगल सम्राट का पद समाप्त किया गया। सीधे प्रश्न बनता है कि भाई कौन से अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट का पद को जो है वो समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल आपको याद रखना है 1858 का भारत शासन अधिनियम। और एक नया पद जिसको भारत के राज्य सचिव, ये इसमें सृजित किया गया इसके अंतर्गत। और ये जो राज्य सचिव होता था, भारत का जो राज्य सचिव बनाया जाता था, ये ब्रिटिश में कैबिनेट का सदस्य होता था, ये भी आपको याद रखना है, ब्रिटिश में कैबिनेट का सदस्य होता था और ये भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण होता था इसका। इस तरीके से इस पर नियंत्रण होता था, यानी कि इसका जो वाक्य होगा, इसने जो कहा है वही अंतिम होगा, दैट इज फाइनल, ओके। चाहे वो जो उसका निर्णय हो या कार्य हो वो नीति के मामलों में हो या फिर कोई अन्य मामले में हो, ठीक है। तो ये भारत राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। इस पद का सृजन किया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। आगे देखते हैं,
उसके बाद 1857 की क्रांति के प्रभाव से, एक क्रांति इतनी भयंकर थी, भयानक थी कि इस क्रांति ने अंग्रेजों को झकझोर के रख दिया था, ओके। तब इनको लगा, अंग्रेजों को लगा कि अगर हमें भारत में शासन करना है तो हमें भारतीयों की सहायता लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये जो है इन्होंने 1857 की क्रांति का ये प्रभाव पड़ा अंग्रेजों पर, उन्होंने सोचा कि उन्हें काफ़ी लंबे समय तक पकड़ बना के रखनी है भारतीय क्षेत्र में, तो यहाँ के लोगों को उसमें सम्मिलित करना ही होगा और उन्हीं के सहयोग से हमें नीतियों का संचालन करना ही होगा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वोटेश सरकार ने 1861, 1892, 1909 में तीन अधिनियम पारित किए जिनको भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको फैक्ट बता दूँ या जानकारी, वो ये है कि 1773 में जब पहला आया उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, ठीक है। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया, ये नाम आपको याद रखने, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया 81 का, ठीक। और 84 में जो आया था उसको पीट्स इंडिया एक्ट बोला गया था। और उसके बाद जो 1793 यानी कि 1793 से जो 1853 तक आए, यानी कि 1793 फर्स्ट चार्टर अधिनियम इसको बोला गया था, जितने भी आए इनको चार्टर अधिनियम कहा गया। 93 में आया, 93 के बाद 13 में आया 1813, उसके बाद 1833 में आया और लास्ट चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में लास्ट 1853 में आया था, ठीक है। तो ये चार्टर अधिनियम बोले गए 1853 तक। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, इसको भारत शासन अधिनियम नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1858 के बाद 1861, 1892, 1909 इनको भारत परिषद अधिनियम बोला गया, तो ये आपको इसमें याद रखना है, ओके। तो ये अधिनियम पारित किए, इसमें हम वन बाई वन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया था भाई, पहला, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि 1857 की क्रांति के भीषण परिणाम थे, अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें क्या आगे करना है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाए। तब इन्होंने पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया, ठीक है ना, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना शुरू किया इन्होंने। इसके द्वारा क्या कैसे किया जाता था भारतीय प्रतिनिधियों को, वायस राय द्वारा। वायस राय क्या करता था, भारत के सदस्यों में से किसी को भी गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था, ठीक है। इसी के तहत 1862 में वायस राय ने तीन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से थे, तीन में आपको प्रश्न में तीनों दे सकता है, दो दे सकता है, दो किसी और के नाम दे सकता है और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा गलत है या इनमें से कौन कौन से सही हैं, ओके। तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव, इन तीनों को 1862 में पहली बार विधान परिषद में मनोनीत किया गया, इस एक्ट का ही प्रभाव था, इस एक्ट के माध्यम से, ओके। आगे देखते हैं, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः वापस दी गई। जिस तरीके से उनकी जो विधायी शक्तियां थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी को सौंप दी गई थी कि विधि वही बनाएगा, कानून वही बनाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी, इस एक्ट के माध्यम से फिर से उनको शक्तियां सौंप दी गई और कहीं ना कहीं भारत में विकेंद्रीकरण की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, ओके। इंपॉर्टेंट कि भाई वायस राय जो थे उनको पहली बार कब अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, तो ये इनको 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। जिस तरीके से अभी राष्ट्रपति में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसी प्रकार ये थी, और इसका प्रभाव जो था वो 6 माह तक था, ये भी आप इसमें याद रखिएगा, ओके। 6 माह तक इसके जो आदेश अध्यादेश जारी करता था उसका प्रभाव रहता था कानून की तरह। इसके बाद हम देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ओके। 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया, इसको हम जाने भारत परिषद अधिनियम को, उससे पहले एक नज़र यहाँ पे दौड़ाते हैं, ये क्या है भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, 1873 का एक अधिनियम आया था, इसके तहत क्या कहा गया भाई, इसके तहत कंपनी को ये अनुभव कराया गया है, बताया गया कि भाई आपकी कंपनी जो कंपनी है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये किसी भी समय भंग की जा सकती है इस अधिनियम के तहत, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसको साइड में मार्क किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और इसी प्रकार 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से भंग कर दी गई,
ठीक है, किस अधिनियम के तहत, 1873 के अधिनियम के तहत, ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम 1852 का भारत परिषद अधिनियम। एक काम इसमें किया गया कि भाई केंद्रीय और विधान परिषदें जो थीं उनकी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का था, और सरकारी सदस्य कौन हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, ठीक है ना। जो इन परिषदों में सरकारी सदस्य अंग्रेज हुआ करते थे, भारतीय प्रतिनिधि जाते थे गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर, जिनको कौन मनोनीत करता था, वायसराय। बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का था, लेकिन यहाँ पे गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जरूर बढ़ाई गई। विधान परिषद के कार्यों में भी वृद्धि की गई, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और इसमें क्या जोड़ा गया, बजट पर बहस, यानी कि अब जो सदस्य हैं विधान परिषद के वो बजट पर बहस भी कर सकते थे, ये इसमें एक और काम किया गया। आगे देखते हैं, ये है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। माल्य मिंटो क्यों कहा गया, तो माल्य जो है वो इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, राज्य सचिव थे उस वक्त, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और मिंटो जो है वो भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जाना गया, और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई इस अधिनियम के तहत। जो केंद्रीय परिषद थी विधान परिषद, उसमें 16 थे सदस्य, उसको बढ़ा के 60 कर दी गई, यानी कि काफी वृद्धि की गई इसके आकार में, ठीक। लेकिन फिर से वही बात कि बहुमत किसका रहा, बहुमत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का ही रहा, यानी कि अंग्रेजों का ही रहा, ओके। प्रांतीय विधान परिषद की अगर बात कर लें तो इसका कोई संख्या निश्चित नहीं थी, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में इसकी संख्या अलग अलग थी। यहां पे अनुमति थी कि भाई गैर सरकारी सदस्य जो मनोनीत किए जाएंगे वो बहुमत में आ सकते हैं, ये यहाँ पे अनुमति थी, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि 1909 भारत परिषद अधिनियम, जिसको माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना गया, इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में काफी वृद्धि की गई उनके आकार में। केंद्रीय परिषदों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहली बार कोई भारतीय वायसराय कार्यपालिका परिषद का सदस्य बना। याद रखना है आपको कि वो कौन से पहले भारतीय थे जो भारतीय वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने थे, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको विधि सदस्य बनाया गया था, बोल सकते हैं कानून मंत्री, जिस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको विधि सदस्य बनाया गया था इस अधिनियम के तहत, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, याद रखना है आपको, ओके। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का इसमें प्रावधान किया गया था। क्या है भाई ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसके तहत क्या है कि भाई जो मुस्लिम मतदाता हैं या जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनका चुनाव कौन कर सकते हैं, केवल और केवल मुस्लिम मतदाता कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बोल सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार कि भाई किस मुस्लिम जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया मुस्लिमों को, वो कौन से अधिनियम के द्वारा, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और इसके तहत क्या था भाई कि जो मुस्लिम सदस्य उनका चुनाव केवल और केवल मुस्लिम मतदाता करेंगे, ओके, ये आपको याद रखना है, मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। तो ये जो है इस सांप्रदायिकता को कह सकते हैं कि उसको वैलिड किया गया एक प्रकार से, ठीक, सांप्रदायिकता को इस अधिनियम ने वैलिड कर दिया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है भाई, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में इसको माना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। अगर आ गया सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है, वो है लॉर्ड मिंटो, ओके। क्यों है भाई, क्योंकि जब ये वायसराय थे उसी समय इनके द्वारा अधिनियम लाया गया था 1909 का, जिसमें मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, इसी कारण इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, और सांप्रदायिकता को उसी समय वैलिड भी किया गया था भारत में, ओके। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या देखा आज हमने। सबसे पहले इसमें हमने देखा कि भाई ताज का शासन कब से कब तक चला,
उसके तहत पहला अधिनियम क्या आया, वो आया 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसकी हमने बात की। इसके बाद 1857 की क्रांति का जो परिणाम हुआ उसके तहत तीन भारत परिषद अधिनियम जारी किए गए 1861-92-1909 में। 1861 का भारत परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान थे वो हमने देखे। उसके बाद 1898 का भारत परिषद अधिनियम भी देखा। इसके बाद 1909 के भारत परिषद अधिनियम की चर्चा की, जिसमें जिसको कि माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें 1919 का जो अधिनियम है जिसको कि भारत शासन अधिनियम कहा गया, ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी जिसे कहा जाता है वो देखेंगे, एंड 1935, दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, मुख्य विशेषताएं मोस्टली बोल सकते हैं कि वहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो ये दोनों हम इम्पोर्टेंट उसमें चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की पहले मंत्रिमंडल की या कैबिनेट की भी हम उसमें चर्चा करेंगे। तो वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कि चैप्टर है आपके भारत की राज्य व्यवस्था का, उसमें हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा जिसमें हमने सारा कुछ समेट लिया है। वीडियो को लेंथी इसलिए नहीं करता हूँ मैं कि आप कम समय में बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट के साथ सारे फैक्ट देख सकें। तो इंटरेस्ट के साथ फैक्ट देखने में होता ये है कि चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, ओके। इसलिए वीडियो को लेंथी ना होने की वजह से मैं इतना करके तीन इसको वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर को ख़त्म किया है। अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।